नमस्कार दोस्तों, जस्टिस एंड पीस चैनल में आपका स्वागत है। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होना क्यों अनिवार्य है, क्या कहता है कानून, आइए इसको जरा देखते हैं। कानून क्या कहता है? राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के अनुसार जो कोई भी जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकता है या इस तरह के गायन की किसी भी सभा में गड़बड़ी का कारण बनता है उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका विस्तार 3 साल हो सकता है या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ। इस कानून में राष्ट्रगान के दौरान कहीं भी बैठे या खड़े होने का उल्लेख नहीं है, जैसा कि प्रावधान से देखा जा सकता है कि वह उस व्यक्ति को दंडित करता है जो जानबूझकर राष्ट्रगान को रोकता है या राष्ट्रगान के गायन में लगी किसी भी सभा में गड़बड़ी का कारण बनता है। इसलिए राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने को राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत अपराध के रूप में नहीं माना जाता है। सम्मान दिखाने के लिए उचित तरीके से खड़े होना। इसी के साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित मुद्रा में खड़े रहना राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करने का उचित तरीका है। यह कहते हुए कि राष्ट्रगान गाने से इनकार करना अपमानजनक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य में कहा कि राष्ट्रगान बजने पर खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान दिखाया जाता है। इस अवलोकन को न्यायालय ने बाद में 9 जनवरी 2018 को पारित अपने आदेश में संदर्भित किया था। नागरिकों या व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रगान और प्रचलित कानून से संबंधित कार्यकारी आदेशों के तहत आवश्यक सम्मान दिखाने के लिए बाध्य किया जाता है जब भी इसे गाया जाता है या निर्दिष्ट अवसरों पर गाया जाता है। न्यायालय ने आदेश दिया और सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने के दौरान दिए गए अनिवार्य दिशा निर्देश वापस ले लिए। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया। जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है या बजाया जाता है तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। हालांकि जब समाचार रील या वृत्तचित्र के दौरान राष्ट्रगान को फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि यह फिल्म की प्रदर्शनी को बाधित करने के लिए बाध्य करेगा और राष्ट्रगान की गरिमा बढ़ाने के बजाय अव्यवस्था और भ्रम पैदा करेगा। निष्कर्ष। कानून जो इस विषय पर लागू होता है, राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्रगान के गायन के दौरान खड़े होने से इनकार करने पर दंडित नहीं करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि किसी व्यक्ति को कार्यकारी आदेशों के अनुसार तब सम्मान दिखाना चाहिए जब राष्ट्रगान बजाया जाए या गाया जाए। प्रचलित कार्यकारी आदेश के अनुसार एक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि जब भी राष्ट्रगान बजाया जाए तो वह सावधान की मुद्रा में खड़ा हो, इसलिए राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से इनकार करना, हालांकि राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत अपराध नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो सकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्तियों को छूट दी है जो व्हीलचेयर उपयोग करता है, वे ऑटिज्म से पीड़ित हैं, मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति, मल्टीपल डिसेबिलिटी, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुष्ठ रोग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बहरे और दृष्टिहीन हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।